Yes, good morning students. How are you all? Welcome in our English class. So today we are going to start our unit 1 poem Wake Up, class 4th, subject English. Its poet is C. Fletcher. C. Fletcher, yahan par inka pura name kya hai? James Chipman Fletcher. James Chipman Fletcher. He was born on, inka birth kab hua? On 5 June 1919 को इनका बर्थ हुआ और डाइड यानी इनकी डेथ कब हुई 22 दिसंबर 1991 में इनकी डेथ हो गई थी. क्या नेम है पोएट का? सी फ्लेचर, जेम्स चिपमैन फ्लेचर. तो चलिए आज हम इसकी पोएम रीड करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं. वेक अप, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. इसमें क्या बताया गया है? बच्चों को जगा रहे हैं पशु पक्षी, काओ, हॉर्सेस, डक्स, कि सभी उठ गए हैं, अब तुम भी उठ जाओ. तो क्या कहते हैं पोएट? वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज and you can hear the buzzing bees. Wake up, jaldi utho, wake up means get up, means uthna. It's a lovely day, dekho, bahar bahut hi pyara din nikal aaya hai. Oh, please get up and come and play. Jaldi se utho aur chalo khelte hain. The birds are singing in the trees, birds trees par geet ga rahi hain. And you can hear the buzzing bees. Buzzing bees क्या होते हैं बेटा? Bees यानी मधुमक्खियों की, और buzzing means sound, मधुमक्खियों की आवाजें हो रही हैं बाहर और तुम उसे सुन सकते हो. You can hear, hear means क्या होता है? सुनना. तो जल्दी से उठो और देखो कितना प्यारा दिन निकल आया है. Birds ट्रीज पर गीत गा रही हैं और तुम मधुमक्खियों की साउंड को भी सुन सकते हो. वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड. टू लाई, लाई मीन्स क्या होता है? लेटना. तो जल्दी से उठो, बहुत प्यारा दिन निकल आया है, जल्दी से उठो, चलो तैयार हो जाओ और हम बाहर खेलते हैं. तुम्हें बहुत देर हो चुकी है, इट्स मच टू लेट, बहुत देर हो चुकी है और अभी तक तुम बेड पर लेटे हो. सो हरी अप मीन्स जल्दी करो, फास्ट. तो जल्दी से उठो, यू स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मीन्स लेजी, आलसी कहीं के, अब जल्दी से उठ भी जाओ. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट. द काओ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टिनियस्ट चिकन चीप चीप चीप. Wake up, wash and dress and come on out. Wash and dress means जल्दी से नहाओ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो. And come on out, और बाहर आ जाओ. Everyone is up and about, हर कोई अब उठ चुका है. कौन कौन उठ गया है? Cow, horses, ducks यानी बतख, and the sheep, sheep means भेड़े. The tiniest chicken और सबसे smallest चिकन भी अब उठ चुका है, जो कि चीप चीप की साउंड कर रहा है. अब तो तुम भी उठ जाओ. तो ये हमारी ब्यूटीफुल सी पोएम थी जिसमें हमें पोएट कह रहे हैं कि अब जल्दी से उठ जाओ, सब उठ गए हैं, जल्दी से उठो, तैयार हो और खेलने चलो. जो पोएम हमारे लिए लिखी गई होती है, जो पोएम होती है वो विद राइमिंग वर्ड्स होती है. अब राइमिंग वर्ड्स कैसे? जो बोलने में सेम साउंड के लगते हैं. जैसे इसमें क्या है? डे, प्ले, एक जिस लग रही है ना, देखो बोलने में इनकी राइमिंग जो है, राइमिंग वर्ड्स इन्हीं को कहते हैं जो बोलने में सेम साउंड के लगे. डे, प्ले, ट्रीज, बीज. यहां देखते हैं कौन सा है, यहां फिर से है डे, प्ले, बेड, हेड. यहां देखते हैं चलो, आउट अबाउट, आउट अबाउट, शीप चीप. तो दीज आर कॉल्ड
राइमिंग वर्ड्स जो बोलने में बिल्कुल सेम साउंड के होते हैं। यहाँ आगे देखिए बेटा, जो टफ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग, लवली मीन्स प्रेटी या ब्यूटीफुल भी आप लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल प्यारा। बजिंग यानी हमिंग, मैंने आपको बताया था कि ये साउंड होती है, आवाजें होती हैं पशु पक्षियों की, पक्षियों की आवाजें होती हैं बजिंग। स्लीपी हेड मीन्स लेजी मीन्स आलसी, और टिनियस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, क्या मतलब है इसका, सबसे छोटा। तो ये यूनिट वन की हमारी पोएम थी वेकअप, तो ये आपने अच्छे से रीड करनी है, और रीड कैसे करनी है, विद राइमिंग वर्ड्स, राइम्स के साथ आपने यूज करनी है, अच्छे से रीड करनी है। सो बाय, हैव अ नाइस डे।